तो सोच हम बात करेंगे PSB कॉइन यानी फिनिक्स ग्लोबल कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स के बारे में। अभी करेंटली इसकी प्राइस में एक अच्छा अप ट्रेंड, एक अच्छा ब्रेकआउट वापस से हमें देखने को मिल रहा है और US वाला एरिया इसने वापस ट्राई किया है और अभी भी एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच करके एंट्री ली थी उनको एक अच्छा प्रॉफिट अभी करेंटली देखने को मिल रहा होगा। शॉर्ट टर्म के और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के टारगेट ऑलमोस्ट इसने पहले ही अचीव कर लिए थे और हालांकि यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट अभी आपको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के टारगेट, अभी लॉन्ग टर्म में आपका जो टारगेट है उस बेसिस पर अभी पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कहाँ पर आपको सेल आउट करना है, जिन लोगों ने ऊपर की तरफ बाय किया है 60-70 सेंट पर बाय किया है उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको कहाँ पर सेल आउट करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपके लिए टारगेट क्या रहेंगे, जिन्होंने बाय नहीं किया है वो किन लेवल पर बाय करेंगे, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। करेंटली 0.84 पर ट्रेड कर रहा है। सुबह के टाइम में इसने 1 USD वाला एरिया ट्राई किया नाइट के टाइम में और किसी का कमेंट अभी रिसेंटली आया था कि सर ये कॉइन 1 USD तक कब चला जाएगा। मैंने बताया था बहुत जल्दी चला जाएगा और बहुत जल्दी, इतना जल्दी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी जल्दी ये कॉइन चला गया। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि जिन लोगों ने भी अपने ऊपर के लेवल पर बाय करके रखा है पहले से, बहुत सेप्टेम्बर मंथ में जब अप ट्रेंड देखने को मिला था इस कॉइन में, उसके बाद से जो करेक्शन था उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर जिन लोगों ने इस कॉइन को ऊपर की तरफ बाय करके रखा है। हमने आपको पहले से बोल के रखा है जिन लोगों ने भी 80 सेंट से ऊपर या 75 सेंट से ऊपर किया हुआ है, जब भी आपका रिकवर होता है आपको सेल करके और एग्जिट हो जाना है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है जब हमारा पोर्टफोलियो रिकवर होता है। उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो जिनमें रिकवरी नहीं हो रही, डीट कॉइन्स है वो ऐसे कैसे पड़े हुए हैं 90-95% तक के डाउन ट्रेंड के अंदर है वो, और उनके पोर्टफोलियो में वो कॉइन ऐड है और वो कॉइन उनको 90% तक के लॉस में है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कॉइन में ऊपर की तरफ बाय कर लेते हैं, हालांकि ये गलती नहीं करनी, हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर से सेल करना है, तो ये प्रॉपर आपको वॉच करना चाहिए, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत सारे लोगों के पहले ही कमेंट आ जाते हैं, एक आध मिनट देखा सर कहाँ बाय करना है, कौन सा टारगेट रहेगा, ये कर वो, आपका कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करते हैं मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई करता हूँ, आप 10 कमेंट करते हैं 10 कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर वीडियो वॉच करना, उसके बाद जो भी कंफ्यूजन आपके रहे बिल्कुल आप लंबा चौड़ा भले ही लिख दीजिए, मैं आपको प्रॉपर उसमें जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें ना, कि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आपने वॉच कर लिया थोड़ा बहुत और फिर आप उसमें गलतियाँ करने होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि जो टारगेट हम आपको बताते हैं प्रॉपर, जो भी उसमें टेक्निकल चीज़ें हम शेयर करते हैं वो आपको जानना जरूरी है, ताकि आप भी धीरे धीरे ये चीज़ें सीखें और खुद से ट्रेड करना स्टार्ट करें। अभी करेंटली अगर बात करें सपोर्ट एरिया की, तो 0.75 वाला इसको सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग हुई है 77 सेंट से ऊपर हुई है, तो 75 सेंट वाला एरिया इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर बात करें 43 सेंट पर ये कॉइन चला गया था, लो इसने बनाया था, वहाँ से अभी तक इसने जो कॉइन अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 100% ऊपर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, और अभी 1 USD वाला एरिया जहाँ पर ट्राई किया था वो 120-130% तक की रिकवरी इस कॉइन में देखने को मिली है, और एक अच्छा कॉइन है, इसमें हर बार हमें इस टाइप की रिकवरी देखने को मिली है। इससे पहले जो हमने एंट्री पॉइंट आपको शेयर किए थे जो कि 50 सेंट के अराउंड थे, तो आपके पोर्टफोलियो में जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म में होल्ड किया हुआ है अभी 80% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, 60-70% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट भी इसको इन्होंने अचीव किया। अब बात करते हैं जिन लोगों ने ऊपर बाई किया है 60 सेंट 65 सेंट 70 सेंट, तो देखिए 60-65 पर बाई किया है और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से एंट्री ली है, तो आपके लिए टारगेट रहेंगे, एक तो आपको सेल करना है अभी रिसेंटली 85 सेंट पर सेल करके और एग्जिट होना है 80% पार्ट, उसके बाद 20% पार्ट बचाना है, और वो आप थोड़े से ऊपर वापस से ट्राई करेगा। तो ये 1 USD वाला ब्रेकआउट हुआ था, फिर थोड़ा सा करेक्शन है और अब नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से अगर बात करें तो आपको सेल करना है 92 सेंट पर, थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 60-65 सेंट पर जिन लोगों ने बाय किया है उनका शॉर्ट टर्म का टारगेट अचीव हुआ है। हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट रहता है कि 40-50% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है सिंगल ट्रेड में, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको बुक करना है, यानी कि आपको टारगेट क्या रखना है 50% का टारगेट रखना है, यानी कि 90 सेंट से लेकर 95 के बीच में आपको सेल आउट करना है। शॉर्ट टर्म वाले 90 से लेकर 95 के बीच में सेल आउट करेंगे, अभी जैसे ही मूवमेंट होगा
आपको से लिमिट लगा देनी। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं इस कॉइन को, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय किया था तो अभी आपके पोर्टफोलियो में एड है वो कॉइन, आपको रखना है, लंबे टाइम तक रखना है, 6 महीने 1 साल रखना है। तो हो सकता है कि अप्रैल या मई जून के टाइम तक ये कॉइन आपको 2 USDT से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख जाए और एंड ऑफ 2023 पर ही अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करके नया हाई 3-3.5 USDT तक भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये Layer 1 Layer 2 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंपावरिंग और Web3 एप्लीकेशन को डेवलप करता है। इसके अलावा ये फोकस करता है नेक्स्ट जनरेशन AI पर और इनेबल करता है Web3 एप्स। इसके अलावा अगर इसकी रैंक की बात करें तो 429 रैंक है इसकी, सर्कुलेटिंग में 37 मिलियन के कॉइन है, टोटल इसके 41 मिलियन कॉइन सप्लाई में आ सकते हैं, मार्केट के 31 मिलियन की है। तो यहाँ पर अगर बात करें पोटेंशियल की तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कॉइन अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने बाई नहीं किया है, एक चीज़ है जिन लोगों ने बाई नहीं किया था अभी डाउन ट्रेंड के अंदर और अभी बाई करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनका पोर्टफोलियो डाउन ट्रेंड के अंदर है वो तो ट्रेड ही नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने बाई नहीं किया था, मिस कर दी एंट्री, बाई करने का सोचा, देखिए अभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क की एंट्री रहेगी। हाँ, जब ये कॉइन आपको 65 सेंट के अराउंड में अभी बाई अगर मिल जाता है, नीचे प्राइस आती है 65 के अराउंड में आता है, उसके बाद हम सोचेंगे कि बाई करना है कि नहीं करना है, तब भी बाई नहीं करना है। अगर लेवल रहेगा तो मैं आपको प्रॉपर एंट्री पॉइंट शेयर करूंगा, लेवल बताऊंगा, उससे पहले आपको बाई नहीं करना है। इसके अलावा जिन लोगों ने ऊपर बाई करके रखा है, 1 USDT वालों तक का रिकवर हो गया होगा, आई होप कि आपका रिकवर हो गया होगा, लेकिन उससे ऊपर जिन लोगों ने बाई किया उनका भी सेम चीज़ें हैं, जैसे ही रिकवर होता है आपको सेल करके और एग्जिट होना है। 80 सेंट से या 75 सेंट से ऊपर वाले जितने भी हैं जिन लोगों ने बाई किया है, वो जैसे ही रिकवर होता है सेल करके एग्जिट हो जाना है। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। तो जो इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।